नाउ हम बात करते हैं अर्थ सैटेलाइट की। अर्थ के सैटेलाइट्स कौन से हैं और कैसे काम करते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे रिवॉल्व करते हैं। अर्थ के ऊपर जो है हम बाहर जब भेजते हैं तो ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट। अर्थ के चारों तरफ जो भी रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं थ्री डायमेंशन के अंदर, दैट आर कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट। और मोशन ऑफ द अर्थ सैटेलाइट वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, एंड हेंस केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कैन बी अप्लाइड। जितने भी मोशन अर्थ के सैटेलाइट जैसे जैसे मूव करते हैं, वैसे ही जो सन के अराउंड प्लेनेट्स मूव करते हैं, सन के अराउंड प्लेनेट जैसे मूव करते हैं वैसे ही हमारे सैटेलाइट्स मूव करते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं, सेम बातें हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी यहाँ पे अप्लाई होगा। ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ सैटेलाइट आर सर्कुलर और इलेप्टिकल। जो ऑर्बिट्स होते हैं अर्थ के सैटेलाइट्स के, वो सर्कुलर भी हो सकते हैं या फिर इलेप्टिकल भी हो सकते हैं। और मेन चीज दैट इज मून इज द ओनली नेचुरल अर्थ सैटेलाइट। हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है वो नेचुरल दैट इज ए मून है। उसके बाद आर्टिफिशियल हम अर्थ के सर्फेस से भेजते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोई भी कंट्री जो है भेजता रहता है। इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए अभी काम करेंगे। द ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड द इज नियरली सर्कुलर। जो मून का ऑर्बिट है वो नियरली सर्कुलर है, इलेप्टिकल नहीं है। द टाइम पीरियड ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेट 27.3 डेज। 27.3 दिन के अंदर जो है अर्थ, जो है अर्थ के अराउंड मून हमारा अप्रोक्सीमेट चक्कर लगा लेता है। दिस टाइम पीरियड इज रफली इक्वल द रोटेशन पीरियड ऑफ मून अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि मून का जो अपना एक्सिस है, मून जैसे घूमता है अपने एक्सिस पे, एंड दैट इज वो साथ के साथ जो है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में भी रोटेट करता है। तो जो अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है दैट इज 27.3 डेज में, और अप्रोक्सीमेट इतना ही टाइम उसको खुद के अपने एक्सिस पे घूमने के लिए भी लगता है। ड्यू टू दिस रीजन वी ऑलवेज ऑब्जर्व ओनली वन साइड। इसी वजह से हम जो है ना चांद के ऊपर देखते हैं, हमेशा जब भी चांद की तरफ देखते हैं तो हमें एक फिक्स पिक्चर ही मिलती है। आप आज देखें, 10 दिन बाद देखें, 15 दिन बाद देखें, जब भी आप देखते हैं हमेशा ही अर्थ की जो पिक्चर नजर आती है, अर्थ के ऊपर जो कुछ हमें कहते हैं चांद पे दाग है, तो कैसा नजर आता है वो सेम नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो टाइम पीरियड दोनों का सेम है, अपने एक्सिस पे घूमने का भी और अर्थ के सराउंडिंग में घूमने का भी। और जो उसके बाद आता है मैन नंबर ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स विच आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम अर्थ के सरफेस से भेजते हैं बहुत सारे हैं, अलग अलग कंट्री के सभी बहुत सारे हैं। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उसके बाद आता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम में जो है सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड सराउंड में घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। द वेलोसिटी विद व्हिच अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड मेक्स इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जो उसकी वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जो किस ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। तो कंसीडर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट RE plus H from the center of Earth. RE is the radius of Earth and H is the height from the surface of Earth of the satellite. ठीक है? Now the required centripetal force is provided by the gravitational force between Earth and its satellite. Satellite circle में revolve कब करेगा? जब उसका centripetal force और gravitational force दोनों equal होंगे, दोनों के दोनों force equal होंगे तभी जो है वो सर्कल के अंदर आ रहे हैं रिवॉल्व करेगा। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा हो गया तो उसका पाथ या तो हाइपरबोला हो जाएगा या पैराबोला हो जाएगा, ये हम अलग डिस्कस करेंगे इसको। नाउ अब हम बात करते हैं आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ।
H is the height of satellite orbit from surface of Earth. M, small m is the mass of the satellite. Capital M के साथ A लगा दिया, that is the mass of the Earth. Now centripetal force required for this revolution of the satellite is, centripetal force क्या हो जाए होता है, m e square upon r. m यहाँ पे r, small r लिखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे small r की value क्या हो जाएगी, radius of Earth plus height of the satellite. And now the it is directed towards the center of the Earth. Centripetal force हमेशा ही center of the सर्किल जो है काम करता है, तो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज, हमने एक अर्थ बनाई है और अर्थ के ऊपर एच हाइट डी है, एच हाइट के ऊपर जो है एक ऑर्बिट बनाया है, इस ऑर्बिट के अंदर हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. ओके, नाउ दिस इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है. ओके, नाउ दिस इज द एफ जी आर ए का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स है. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, एरो की पोजिशन देखिए. सो जी एम small m into m e mass of earth and r e plus h का square, that is आप समझ गए हैं. so this is f is equal to g m1 m2 upon r square. circulatory motion of the satellite, f centripetal force और gravitational force दोनों के दोनों same होंगे तभी जो है circular motion में रहेगा. Now, mv square upon re plus h is equal to gm. ये equation जो है हम already discuss कर चुके हैं. height increase करेगी तो velocity decrease होगी. यहाँ बात main ही बात ये है कि जैसे जैसे हमारी height ज्यादा हो जाएगी क्योंकि re plus h है और reh, r radius of earth is the constant same है और height जितनी ज्यादा हम करेंगे उतनी velocity कम हो जाएगी. ये क्या है, v is equal to, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट हम नोट कर सकते हैं. यहां से हमें निकल के क्या आता है कि v is equal to under root g r e, यानी कि वेलोसिटी जो है दैट इज डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी. इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, हमने पिछले सेगमेंट में किया था. सो वी इज द इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट. सैटेलाइट कितना भी भारी हो कितना भी हल्का हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी. डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ये एक फिक्स वेलोसिटी रहेगी. Now, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी. नाउ इसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट. अर्थ के सैटेलाइट का हम जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड देखते हैं क्या होता है. टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वो कितने टाइम में एक चक्कर लगाता है, दैट इज
टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय ऑर्बिट ऑर्बिटल स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्थ सैटेलाइट इन वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर होता है, दैट इज 2 पाई आर कितना होता है? इस केस में हो जाएगा आर ई प्लस एच। तो टी इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हमारा, हम सीधा रिजल्ट की बात करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई और आर ई प्लस एच अंडर रूट पावर 3। दिस इज केपलर्स लॉ ऑफ पीरियोडिक मोशन। सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, जी की वैल्यू है 9.8 एंड आर ई की वैल्यू है 64। नाउ रेडियस हमें पता है, रेडियस की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास 85 मिनट्स अप्रोक्सीमेट पीरियड। सो जो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास 85 मिनट्स एक टाइम मतलब एक सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड 85 मिनट के अंदर हमारा टोटल चक्कर लगाता है।